कैमरा क्लोज आइए, क्लोज आइए, एकदम दिखाइए, एकदम क्लोज से दिखाइए। देखिए मेरे यहाँ, मेरे हाथ में दिखाइए, मेरे हाथ में दिखाइए, देखिए मेरा हाथ दिखाइए, नॉर्मल है, एकदम सूखा हुआ है। हाँ सूखा हुआ है, देखिए देखिए ठंडा हो रहा है। बाप रे, तो भीग गया, चिल ठंडा हो रहा है, चिल। अरे वाह, देख रहे हैं ये सर आपका, हम लोग का टाइम लग गया इसमें, कम से कम 3-4 दिन लग गया है। अच्छा, इसलिए कि सारा यूनिट हम लोग को खोल के चेक करना पड़ा है। ओके, तब हम लोग को लीकेज मिला है कंडेंसर में, कूलिंग कॉइल में। अच्छा, ये क्या कंडेंसर चेंज हुआ है? कंडेंसर नया लगा है सर आपका, ये वाला तो बिल्कुल नया है। और सर इसका कितना खर्चा पड़ा सर? इसका खर्चा पड़ा सर अप्रोक्स आपको पकड़ लीजिए, आपका ये अप्रोक्स पकड़ लीजिए 7000 के आसपास। 7000 यानी कि सब कुछ मिला के? हाँ, जी नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं दादा? बहुत अच्छे सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। काफी गर्मी है सर। गर्मी तो बहुत गर्मी है, और गर्मी के लिए काफी दोस्त लोग परेशान भी है, इसीलिए हम लोग आज कार का गर्मी के लिए जो अभी कार में प्रॉब्लम हो रहा है उसी का बातचीत हम लोग करेंगे। अच्छा ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आज वैसे भी बहुत सारे नए दोस्त देख रहे हैं, आप पहले यहाँ का लोकेशन अच्छे से समझे। सर हम लोग का कंपनी का नाम है अमन मोटर, मेरा नाम है मिस्टर अमन, हम लोग कोलकाता से है। हम लोग का एड्रेस हुआ 30 नंबर आरूपोथा, कोलकाता 105। बाकी नंबर चल रहा, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको लोकेशन भेज देंगे और एड्रेस भेज देंगे। ठीक है, आप बताइए सर आज का टॉपिक क्या है? बताइए, आज का टॉपिक है सर कार एसी का रिलेटिव में हम लोग बोलेंगे। अच्छा अच्छा, कार का एसी में क्या करना चाहिए, कितना प्राइस आने वाला है, एक कार का हम लोग काम कर रहे हैं उसका क्या प्राइस आया है, कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा होना चाहिए था, यानी कि एसी सर्विसिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, सारा चीज के बारे में बताएंगे। वेरी गुड सर, खासतौर पर कौन सी कार का ऊपर आज बनाएंगे हम लोग? आज हम लोग मारुति कार के ऊपर बनाएंगे, मारुति का ऊपर। जी जी, वेरी गुड। मारुति जितना भी कार उसको बनाएंगे हम लोग। काफी लोग परेशान है, जी जी, कार का एसी का लेके सही नहीं हो रहा है, ये है आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, उनका कंप्रेसर चेंज करने के बाद, बीए चेंज करने के बाद में लीकेज नहीं हो रहा, सारा चीज हम लोग बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। शुरू किया जाए, चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। दोस्तों जिनका पास मारुति का कार है, चाहे हैचबैक हो, सीडान हो या फिर एसयूवी हो, किसी किसी दोस्त लोग ऐसे हैं जिन लोगों का एसी का प्रॉब्लम रियली हो रहा है, वो लोग काफी सारे जगह में गए थे, ठीक नहीं हुआ, ऐसे कमेंट भी करते हैं। जो अच्छा एसी का जगह हो जहां पर सर्विसिंग हो या फिर मेंटेनेंस का बारे में बताया जाए या फिर रिपेयरिंग किया जाए, तो आज का टॉपिक जो है ये एसी रिलेटेड टॉपिक है, ताकि काफी गर्मी आ रही है और गर्मी में एसी का साथ जरूरत है। तो सर बताइए ये करके जो ये कार का क्या काम ये सर आपका ये हम लोग का YouTube देख के हम लोग के पास में आया है। अच्छा ठीक है, YouTube वीडियो, हम लोग का वीडियो देख के आए हैं, इंडिया ट्यूब को देख के हम लोग पास आए हैं। आने के बाद में ये लोकल मैकेनिक से कम 5 से 7 बार गैस एसी का गैस भरा चुके हैं, गलती कर देते हैं, गैस भरा चुके हैं, मगर इनका लीकेज इनको नहीं मिल रहा है। ओके, फिर हमने पूरा डैशबोर्ड खोल के सारा चीज करके हमने देखा कि एक आपका कंडेंसर नया है, ये देख सक रहे हैं, ये आपका पुराना है कंडेंसर, ये ओल्ड है, ये न्यू है, न्यू है, तो ये हम लोग जो है चेंज किए हैं। बाकी कूलिंग कॉइल अंदर का चेंज हुआ है। अच्छा, कंप्रेसर में लीकेज था, ये भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ये काफी पुराना होने से लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग सारा करके इसको रेडी कर दिए हैं, और रेडी करने के बाद अभी हम लोग इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे और कैमरा में दिखाएंगे, यहाँ पे पानी जम रहा है, यहाँ पे दिखाएंगे। एक बार चाबी लेकर आओ, चाबी लेकर आइए, एक बार चाबी लेकर आइए, गाड़ी का चाबी लेकर आइए, चाबी आ गया मेरे पास में, चाबी आ गया जी। ठीक है, ये स्टार्ट करके हम लोग इसी ऑन करेंगे। ठीक है, अरे वाह, हम लोग एसी ऑन कर दिए, आप इस तरफ आ सकते हैं सर, इधर आइए आप, यहाँ आके देखिए एसी ठंडा हो रहा है, ऐसे दीजिए हाथ दीजिए, सुपर चिल है, है ना, चिल है, एकदम स्टार्ट करने के संग संग ठंडा निकल रहा है, ऐसा नहीं 5 मिनट रुकना पड़ेगा, तो रुकना पड़ेगा, संग संग निकल रहा है एकदम। अच्छा, एक और यहाँ पे देखिए पाइप पकड़िए सर, ये पाइप पकड़िए, कुछ डरने का बात नहीं है, ये आपका बहुत चिल हो गया, चिल्ड है, देखिए एकदम चिल हो गया, बहुत चिल हो गया, अरे बाबा, वो जैसे आइसक्रीम का फैक्ट्री में होता है ना वैसे बिल्कुल चिल्ड हो गया, देखिए वाओ। कैमरा क्लोज आइए, क्लोज आइए, एकदम दिखाइए, एकदम क्लोज से दिखाइए, देखिए मेरे यहाँ, मेरे हाथ में दिखाइए, मेरे हाथ में दिखाइए, देखिए मेरा हाथ दिखाइए, नॉर्मल है, एकदम सूखा हुआ है, हाँ सूखा हुआ है, देखिए देखिए ठंडा हो रहा है, बाप रे, तो भीग गया, चिल ठंडा हो रहा है, चिल, अरे वाओ, देख रहे हैं अभी, यहाँ दिखा सकते, देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, देखिए सूखा हुआ है, देखिए देख रहे हैं पानी 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 हो गया, यहाँ पे आ सकते, अब यहाँ पे आ सकते, बहुत ठंडा हो गया,
अब यहाँ से यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, आप देखिए दिखाओ सुपर चिल। देखो यहाँ पे देखा, ये देखिए कपड़ा को हिल रहा, देखिए कपड़ा ये देखिए ठंडा हो रहा है, सुपर चिल एसी, सुपर चिल एसी। ये देखिए आवाज भी आपको मिल रहा होगा, वीडियो में तो ठंडा नहीं दिखा सकते, मगर हवा तो दिखा सकते हैं, एयर में दिखा सकते हैं। एकदम चलिए गाड़ी दिखा दीजिए, अल्ट्रो 800 है कार सर। अल्ट्रो 800 बहुत पॉपुलर कार है, अल्ट्रो 800 बहुत पॉपुलर कार है, काफी फेमस कार है, बहुत सारे दोस्त लोग ऐसा है। हम लोग फ्रंट का भाई, इसका हम लोग फ्रंट का बैक पर भी लगा रहे हैं। अच्छा, और एक्चुअली हम लोग स्पेशली कार एसी के लिए वीडियो बना रहे हैं, एसी के लिए उसका बात नहीं करेंगे। अच्छा सर, एसी के लिए कुछ स्कीम निकाला है क्या? हाँ सर, एसी का तो ये पहले बताइए, जैसे कि लास्ट समर में हम लोग दिए थे, काफी भीड़ जम गया था भाई, जम गया था एकदम। नॉर्मल सर्विसिंग, नॉर्मल सर्विसिंग। अच्छा, आपका कंडेंसर वॉशिंग, बम्पर खोल के सर वॉशिंग से करने का, वही 3399। अच्छा 3999, बस वही चल रहा है, 3999। गैस लगा एक्स्ट्रा? अच्छा, गैस जो भी लगे, गैस चार्जिंग टॉपअप का 500 रुपया, 500। अच्छा जय, आपके वीडियो में अगर सब कोई सब्सक्राइब करते हैं, अगर से स्क्रीन शॉट दिखाते हैं, उनके लिए इंक्लूड 499 गैस चार्जिंग टॉपअप, गैस टॉपअप और एसी सर्विसिंग नॉर्मल, ऊपर से खोल के नहीं, ऊपर से नॉर्मल सर्विसिंग 499 इंक्लूडिंग गैस टॉपअप और सर्विसिंग सिडान अल्ट्रो कार का, जिसके पास जितना मारुति का अल्ट्रो कार है, जितना सिडान हैचबैक कार है उसके लिए। वाह क्या बात है जी, एकदम। तो सर ये टाइम कितना दिन लगा? ये सर आपका हम लोग का टाइम लग गया इसमें कम से कम 3-4 दिन लग गया है। अच्छा, इसलिए कि सारा यूनिट हम लोग को खोल के चेक करना पड़ा है। ओके, तब हम लोग को लीकेज मिला है कंडेंसर में, कूलिंग कॉइल में। अच्छा, ये क्या कंडेंसर चेंज हुआ? कंडेंसर नया लगा सर आपका, ये वाला तो बिल्कुल नया है। हाँ, ये पुराना ओल्ड रखा हुआ नीचे में। अच्छा, और कूलिंग कॉइल भी चेंज हुआ, कूलिंग कॉइल पुराना कहीं पर रखा हुआ होगा। टाइम सर इसमें आपका लगा है कम से कम 4-5 दिन। हाँ, लीक चेक करने में 1-2 दिन लगे, और अभी तो अभी हम लोग का अभी नहीं चेक करके तो एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे ना कस्टमर को। नहीं बात तो सही, इसीलिए हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, और ये कम से कम तो कस्टमर 2-3 महीने से परेशान थे, बार बार गैस कर पा रहे, बार बार लीकेज हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा कहाँ से लीकेज हो रहा है। अच्छा, अभी हम लोग कर दिए हैं, इसका वारंटी भी है हम लोग का। अच्छा, वारंटी भी हम लोग देते हैं इसका, 3 मंथ्स का वारंटी देते हैं, हम लोग देख लेंगे जो काम के वो काम के लिए। ओके सर, इसका कितना खर्चा पड़ा सर? इसका खर्चा पड़ा सर अप्रोक्स आपको पकड़ लीजिए, आपका ये अप्रोक्स पकड़ लिए 7000 के आसपास, 7000 यानी कि सब कुछ मिला के। हाँ, 7 नहीं, एसी का सिर्फ, एसी का 7500 के आसपास पड़ा आपका, एसी का वर्क का। अच्छा, 7500 का एसी का। जी जी, अच्छा ठीक है जी। ठीक है सर, कुछ मैसेज है तो बताइए, ऐसा अगर मान लीजिए ऑल्टो नहीं है, किसी का पास सेलेरियो है या फिर स्विफ्ट है या फिर अर्टिगा है, आप लोग सबसे पहले बात है कि एसी को मेंटेन कीजिए। एसी में क्या होता है ना कि फिल्टर में कचरा जम जाता है, और यहाँ पे कंडेंसर में कचरा जम जाता है, आप लोग क्या करते हैं ठीक टाइम पे वॉशिंग सर्विसिंग करवाते नहीं है, और वो प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है एकदम। तो जहाँ पे अगर लगता है थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, आपका एसी ठंडा कम हो रहा है या तो एयर थोड़ा सा एयर का फ्लो कम है, तो कम है तो आपको मैकेनिक से सर्विस कराइए, जरूरी मेरे पास है कहीं भी आप कराइए तो सर्विस कराइए, तो क्या होगा खर्चा बच जाएगा आपका, आप चोक हो जाएगा, वेल्व चोक हो जाएगा, अब एयर आएगा नहीं, पूरा कूलिंग कॉइल में कचरा जम जाएगा तो लीकेज तो होगा, लीकेज होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस कीजिए, और आपके पास में हैचबैक हो, सिडान हो, मारुति का कोई भी कार हो, होंडा या कोई भी कार हो, 499 में आइए, नॉर्मल सर्विसिंग और एक एसी का स्टॉप करके लेके जाइए। क्या बात है, थैंक यू। गर्मी का गर्मी का ऑफर है ये भाई, गर्मी के लिए सेफ और सेफ ये ऑफर रहेगी आपका। अगर आपका पास मारुति का कोई भी कार है, चाहे हैचबैक हो, सिडान हो या फिर एसयूवी हो, देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है, ये अमन मोटर्स की नंबर है, पहले फोन कीजिए, बुक कीजिए अपॉइंटमेंट, उसका बाद कार लेके चलाइए, एंड एसी को फिर से चार्ज करके एकदम चिल्ड होके कार को ड्राइव कीजिए, एंजॉय कीजिए जी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया जो एसी का किस तरह का काम हुआ है, कितना खर्चा पड़ा, कितना टाइम लगा, कौन कौन सी कारों का एसी काम कराना चाहिए, कैसे मेंटेनेंस कराना चाहिए, एक्चुअली जितना भी बातें है सर ने इसी वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया। अच्छा तो जरूर लग रहा है आपको भी, अगर रिक्वायरमेंट है देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है, ये अमन मोटर्स की नंबर है, आप अमन सर से डायरेक्टली बात कीजिए, पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, नहीं तो बाद में पछताओगे, गाड़ी ले आके फिर वापस ले जाना पड़ेगा, पहले कॉल करके अपॉइंटमेंट, कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, उसका बाद फिर यहाँ। ये सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है तो प्लीज, व्यूअर्स के लिए आप लोग लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसलिए कि सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, हम लोग तरह तरह का वीडियो बना रहे हैं, तरह तरह का वीडियो, तरह तरह का कौन सा कार क्या काम कैसे कर रहे हैं, हम लोग सारा चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर जब करेंगे तो जिनके पास में कार है, जो प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, उनका हेल्प हो जाएगा आपके जरिए से एकदम।
सो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।